अमित, कानपुर में मतदान हो रहा है, आप किस बूथ पर हैं? और बताया ये जा रहा है कि एक ऐसा बूथ जहां पर आधे घंटे तक मतदान रुका रहा, उस बारे में भी जरा जानकारी दीजिए। देखिए नीलू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र के महापर्व का हर व्यक्ति साक्षी और भागीदार बनना चाहता है, जिसकी वानगी अब कानपुर में भी देखने को मिल रही है। अभी तक 14% ज्यादा वोट कानपुर लोकसभा में अभी तक पड़ चुके हैं। अगर बात की जाए अकबरपुर की, तो अकबरपुर में भी एक ऐसा बूथ था जहां एक ईवीएम का प्रॉब्लम आई थी, 28 मिनट करीब वो बाधित रहा और ऐसे में इसको ठीक कर लिया गया। और मगर जिस बूथ पे हम खड़े हैं, आप देखें कैसे लोग सब काम छोड़ के यहाँ वोट कास्ट करने हैं, क्या महिलाएं क्या पुरुष। अम्मा, आपने वोट डाला? जी डाल दिया। आपने मैम डाला वोट? जी डाल दिया। आपका तो वोट ही नहीं होगा, वोट डाला आपने? हाँ, क्या मुख्य मुद्दे हैं यहाँ के, क्या मुद्दे क्या क्या हैं यहाँ के, क्या समस्याएं क्या हैं यहाँ? बस क्या है, मेरा बेटे पढ़े लिखे हैं बहुत। हाँ, उनकी नौकरी नहीं लगती। अच्छा, नौकरी समस्या आप बताइए। बस यही हमारी नौकरी है। ये पढ़ी लिखी है। अच्छा, आपकी हंसी कुछ कह रही, बता दीजिए, हम पूछेंगे नहीं। चलिए, हंस दिया, बता दीजिए। क्या बताए, यही नौकरी की समस्या है, नौकरी। लेकिन अच्छा, काम वाम कुछ दिखा के नहीं, सड़कों पर काम दिख रहा है कि नहीं? हाँ, काम तो सफाई तो दिखती है, सफाई दिखती है। चलिए ठीक है, इससे भी आप देख सकते हैं कि जहां तक आधी आबादी है, अधिकतर लोग यहां वोट कास्ट करने आए। सबसे बड़ी कानपुर में इस बार बात जो देखने को मिली, लोगों ने सारे काम। अच्छा, नाश्ता वास्ता किए हो कि नहीं? करके नहा धो के सबसे पहला काम यही किया। चलिए, आपने किया नाश्ता? हाँ, नाश्ता। घर में बाकी लोगों कहेंगे वोट डालने, घर में बैठे रहेंगे? नहीं, सब डाल के आ रहे हैं। अच्छा, आप? हाँ, हमारा भी। आपने वोट डाला मैम? जी डाल दिया। क्या मुख्य मुद्दे महिलाओं के यहाँ है मैम? अब ये हम क्या बताएंगे, सही है, सब सही है। देखिए, इनका कहना है सब सही है, नहीं सब सही है तो हमने वोट डाल दिया। ऐसे में नीनू जी, देखिए सबसे बड़ी बात है मुद्दा क्या है, किसको वोट दिया है, ये इनकी सोच है। अब जब परिणाम आएगा तब चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो न्यूज 18 हर अपने करोड़ दर्शकों से अपील कर रहा है कि अपना वोट कास्ट करें, क्योंकि यदि आपको अपने जहन में कोई तस्वीर है या कोई चीज बदलनी है तो आपको वोट कास्ट करना पड़ेगा घर बैठ के। न्यूज 18 को आप सेल्फी खींचकर, न्यूज 18 को जो आप जैसे ही आप मतदान करते हैं उसके बाद आप सेल्फी खींचकर भेजते हैं तो स्क्रीन पर आपकी सेल्फी दिखाई जाएगी, जो कुछ सेल्फीज इस वक्त आप देख भी पा रहे हैं। तो न्यूज 18 यही अपील करता है, घरों से बाहर निकलिए और वोट कास्ट कीजिए। हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी जी जुड़े हुए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रभात जी, कई चुनाव आपने देखे होंगे और देखा होगा कि किस तरह से पार्टियां चुनाव प्रचार में बड़े बड़े वादे करती हैं लेकिन बाद में होता कुछ और है। ऐसा ही प्रचार इस बार के चुनाव में भी दिख रहा है। प्रचार के लिहाज से अगर हम देखें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंकी हुई है, केंद्र के तमाम बड़े चेहरे चुनाव प्रचार करते उत्तर प्रदेश में नजर आ रहे हैं। आज की 13 सीटों को लेकर आपका विश्लेषण क्या कहता है प्रभात जी? देखिए नीसम जी, निश्चित तौर पे ये 13 सीटें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अभी तक जो चुनाव चरण हुए हैं उसमें मतदाताओं का जो एक निराशा है वो एक सबसे बड़ा मुद्दा है। और ये निराशा क्या जो है सरकार को बदलने की है, या सरकार को वो रिपीट चाहते हैं लेकिन अपनी बात भी रखना चाहते हैं, क्योंकि कई जन समस्याएं ऐसी हैं स्थानीय लेवल पे, चाहे वो सड़क का मुद्दा हो, चाहे पानी का मुद्दा हो। सबसे बड़ा सवाल यह कि मतदाता निकल क्यों नहीं रहा है। हम लोग बराबर अपील कर रहे हैं, सारे इंतजाम हैं, सारी चीजें हैं, उसके बाद मतदाता बिल्कुल निराश है। ये तो क्या वजह आपको लगती है मतदान प्रतिशत कम रहने के पीछे प्रभात जी? कई लोग अपने अपने तर्क दे रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं गर्मी ज्यादा है, गर्मी कम है, गर्मी की वजह से भी इम्पैक्ट हो रहा है मतदान। लेकिन क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये चीज भी आ गई है कि हमारे एक वोट से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, और लोगों के जहन में ये भी है कि जो सरकारें वही सरकारें रहेंगी, क्योंकि आरोप ये भी लग रहे हैं कि लोकतंत्र में विश्वास नहीं रह गया है लोगों का, इसलिए भी लोग इस बार वोट करने नहीं जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि मतदाता जो निराश है वो ये सोच रहा है कि हमारे वोट से हम जा रहे हैं, सरकार बनती है, लेकिन जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो हमारे लिए काम नहीं करते हैं। ये कहीं निराशा है जनप्रतिनिधियों के बीच में। लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे पे जब बात आती है, एक प्रधानमंत्री के मुद्दे पे आती है, एक चेहरा और एक विश्वास की बात आती है, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े उतरते हैं, क्योंकि कोई विपक्ष चेहरा ऐसा नहीं है इंडिया ब्लॉक का, इंडिया गठबंधन का। बात वो करते हैं कि हम आएंगे, हम ये करेंगे, लेकिन जनता को उस पर भी विश्वास नहीं हो पा रहा है। तो सहमति और असहमति में
मुझे ऐसा लगता है कि असहमति जो दिखाई दे रही है वो बाद में सहमत में जब वो वोट डालने जाते हैं तो सहमत में परिवर्तित हो जाती है और मतदान जब रिजल्ट आएगा फिर वही सरकार होगी कि जो उनका नारा है फिर एक बार मोदी सरकार। और अभी आपने स्टार प्रचारकों की जो बात की, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में कई ऐसे स्टार प्रचारक हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ से लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सभी लोगों ने बड़ा धुआंधार प्रचार किया है। और अभी इंडिया गठबंधन में राहुल और अखिलेश भी निकले हैं तो प्रचार ये लोग कर रहे हैं, लेकिन मतदाताओं में वो उत्साह नहीं है। 2014 और 2019 में जो उत्साह दिखाई दे रहा था, जब लोग जाते थे गर्मी तब भी होती थी थोड़ा, उस समय माहौल ठीक है, वो गर्मी कब थी, आज मौसम निश्चित तौर पे पलटा है और माहौल थोड़ा गर्मी में थोड़ा सा, कई जगहों पर मौसम में बदलाव देखने को मिला है, लेकिन थोड़ा सा लोगों में निराशा है। और निराशा को लेकर सबसे बड़ी बात है कि लोग ये कह रहे हैं कि निराशा नहीं होनी चाहिए। हम तो बार बार अपील यही कह रहे हैं कि देखिए, सब काम छोड़िए, पहले आप जाकर अपना मतदान करिए, उसके बाद बाकी काम होते रहेंगे, क्योंकि एक अच्छा नेता आपके कल की तस्वीर को बदल सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। और अब चलिए एक बार फिर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता देते हैं कि अब तक 9 बजे तक का जो कि मतदान का प्रतिशत आया है वो कितना है। तो मतदान का प्रतिशत हम आपको बता दें, शाहजहांपुर में 5.94% अब तक मतदान दर्ज किया गया है। वहीं पर खीरी की बात की जाए तो यहां पर 12.21% मतदान दर्ज किया है। सुबह 9 बजे का मतदान प्रतिशत हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं धौरहरा में 13.96% मतदान दर्ज किया गया है, क्योंकि आप ही सुबह सुबह का वक्त है, लोग निकल रहे हैं। सीतापुर में 14.28% मतदान दर्ज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हरदोई की बात करते हैं। 13.17% मतदान यहाँ पर हुआ है, मतदान प्रतिशत भी लगातार आपको बताते रहेंगे। उमेश हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए, उमेश का रुख करते हैं। उमेश, कहाँ पर, कौन से बूथ पर आप मौजूद हैं, जरा दिखाइए तस्वीर और दिखाइए कि कितने उत्साहित हैं मतदाता। मतदान फीसदी काफी कम दिख रहा है इस बार और मतदान प्रतिशत पिछले 3 चरणों का भी कुछ ऐसा ही दिखा है, लेकिन आज का मतदान प्रतिशत क्या अंदाजा लग रहा है आपको? जी देखिए, लखीमपुर लोकसभा क्षेत्र में 9 बजे तक 12.21% के आसपास की पोलिंग हो चुकी है और यहां पर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। रिमझिम फुहारें भी पड़ी, कई क्षेत्रों में बारिश भी हुई, लेकिन मतदाता घरों से निकल रहा है और अपने सबसे बड़े अधिकार का प्रयोग कर रहा है। न्यूज 18 की टीम इस वक्त निघासन में मौजूद है, यहां अजय मिश्र टेनी भी अपना वोट कास्ट करने के लिए आएंगे। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से यहां लाइंस लगी हुई हैं, कतारें लगी हुई हैं और लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और उत्साह के साथ मतदान करने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। आप क्या कहेंगे, मतदान करने के लिए आप आए हैं, क्या सोच करके आप वोट डालने के लिए जा रहे हैं, अपने लोकसभा क्षेत्र को कैसा आप देखते हैं, लखीमपुर खीरी में क्या विकास होना चाहिए, क्या क्या सोचते हैं अपने क्षेत्र के बारे में जरा बताएं। हम भैया कुछ भी बताए नहीं, कहाँ क्षेत्र में आप बताइए दादा, आप क्या कहेंगे, वोट डालने के लिए आए हैं, युवा हैं और क्या मुद्दे हैं, किन इश्यूज को लेकर के आप वोट डालने के लिए आए हैं? यही विकास का मुद्दा, बस विकास का मुद्दा सबसे अहम है और सभी एक सुर में विकास के मुद्दे की ही बात करते हुए नजर आ रहे हैं। आप दादा क्या कहेंगे, कई चुनाव आपने देखे होंगे, यहां से जो फाइट आप देख रहे हैं, अजय मिश्र टेनी जी उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से उत्कर्ष वर्मा उम्मीदवार हैं, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अंशेख कालरा उम्मीदवार हैं, क्या कहेंगे, क्या इश्यूज हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या सोच करके मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आए हुए? ठीक है, कैसा होना चाहिए आपका लखीमपुर और कैसा है? ठीक है, विकास होना चाहिए, विकास का ही मुद्दा है। आप युवा है, क्या सोचते हैं अपने क्षेत्र के बारे में, सपनों का लखीमपुर खीरी कैसा होना चाहिए? का चुनाव करूंगा और जो है भ्रष्टाचार मुक्त देश चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त देश चाहिए, अच्छे नेता का चुनाव कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? अच्छा, आपने बोल दिया, तो आप देख रहे हैं कि ये लाइन दूसरी तरफ की भी दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर कतारबद्ध है लोग। आगे बढ़ेंगे अभिषेक और दिखाएंगे दूसरी तरफ की तस्वीरें कि किस तरह से लोग यहाँ पर कतारबद्ध हैं। अच्छी फाइट, दिलचस्प फाइट यहाँ पर देखने को मिल रही है और ये नजारा लखीमपुर खीरी क्षेत्र के बनवीरपुर गांव का है। आदर्श प्राथमिक विद्यालय बनवीरपुर जो पोलिंग सेंटर बनाया गया है, यहाँ पर हम मौजूद हैं और ये सामने की तस्वीर भी आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लोग कतारबद्ध हैं। इन लोगों से ही बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि किन इश्यूज को लेकर के ये लोग मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बाबू जी क्या कहेंगे, मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आप आए हुए हैं और क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे मुद्दे हैं उमेश और हर मुद्दों पर लोग बातचीत करना चाहते हैं, मुद्दे जो उनसे सरोकार रखते हैं उस पर खास तौर पर लोग बात करके अपना मतदान करने की बात कह रहे हैं। देवेंद्र हमारे साथ इटावा से इस वक्त जुड़ गए हैं। देवेंद्र, अगर इटावा की बात की जाए, आप कहां पर हैं, मतदान किस तरह से चल रहा है और लंबी लंबी कतारें क्या वहां पर लग रही हैं, क्या बता रहा है कि आज मतदान किस तरीके का रहेगा, क्योंकि पिछला जो 3 चरण रहा है वो तो निराश करने वाला ही रहा है, बहुत अच्छा नहीं रहा है।
बिल्कुल साफ तौर से जो तीन चरणों की बात होती है तो वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं रहा और वोटर परसेंटेज कम रही, लेकिन अगर आज की बात की जाए, चौथे चरण की बात की जाए, हम इस समय इटावा के राजकीय बालिका विद्यालय में हैं और जहां पे पोलिंग बूथ है अंदर, यहां की अगर बात की जाए तो 11% मतदान हुआ है। और अगर इस बूथ की बात, इस पोलिंग पूरे बूथ की बात की जाए तो यहाँ पर शहर का मेन जो है वोटर है और जहाँ तमाम अधिकारी और वो लोग वोट कर चुके हैं, लेकिन इस अगर उसकी बात की जाए तो जो लोग हैं, लोग तो आ रहे हैं लेकिन बहुत धीमी गति से आ रहे हैं और जा रहे हैं, मतलब बहुत लंबी कतार नहीं है, लेकिन कतार टूट भी नहीं है। अंदर जो गिनती है वो कहीं ना कहीं लगातार लगी हुई है, लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज यहाँ का बेहद कम है, जबकि अगर पूरे लोकसभा क्षेत्र का देखेंगे तो 7.6 9 बजे तक का मतदान था। ऐसे में लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो परसेंटेज है वो इटावा का कम होगा। जो उत्साह है वो लोगों में भले ही अभी समय कम दिख रहा है, लेकिन चूंकि जिस तरह से समय शुरुआत हुई थी, पानी की बूंदाबांदी हुई थी, उसके बाद में ऐसा लग रहा था कि वोट ऑफ परसेंटेज अच्छा होगा, लेकिन वो नहीं हुआ और इस समय 9 बजे तक 7.6% मतदान हुआ। लोग हैं यहाँ, आ रहे हैं और लंबी कतार भले ही नहीं है, लेकिन लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और मतलब कतार टूटी नहीं है, लेकिन उसकी जो उसकी वजह से असर है। अभी तक जो 9 बजे तक जो मतदान का प्रतिशत रहा है वो 7.6% रहा है, ऐसे में क्या वजह लगती है कि क्यों इतनी धीमी गति से मतदान आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल, जिस तरह से सुबह मौसम हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि जो कतारें हैं वो लंबी होंगी, लेकिन वो नहीं हुई। उसके बाद में पानी बंद होने के बाद में एक साथ गर्मी हो गई है, मौसम बेहद गर्म है, जिसको लेकर जो है ऐसा लगता है कि लोग कम निकल रहे हैं। हालांकि इस बूथ जो पिछले अगर आंकड़ों की बात की जाए तो लोग बताते हैं कि यहाँ पर मतदान प्रतिशत हमेशा अच्छा रहता है, ये शहर का मेन बूथ है। हमेशा अच्छा रहेगा इस बार भी, ये शाम को 5 से 6 बजे तक क्लियर हो जाएगा। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और धौरहरा से बीजेपी के सांसद प्रत्याशी रेखा वर्मा ने मतदान किया है और मतदान के बाद न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कहा है कि बीजेपी फिर से सरकार बना रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर चौथे चरण का मतदान लगातार जारी है। हम इस समय धौरहरा लोकसभा सीट पर हैं और हमारे साथ में बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा जी हैं। यहां से भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रत्याशी हैं। मैडम, हैट्रिक लगाने का मौका है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, बहुत आशीर्वाद जनता जनार्दन का मिल रहा है, मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। लोकसभा 29 धौरहरा की जनता जनार्दन का, लगातार 2014 के बाद जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला और मुझे मिला है, मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ जी। आज मैंने अपना मत का प्रयोग किया है, हमारा पूरी फैमिली साथ में है, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एक अच्छा वातावरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज हमारे चैनल पर एक इंटरव्यू हुआ है, हमारे चैनल पर उन्होंने सीधे तौर पर बोला है कि विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, ना ही नीति और ना कोई नेता है। बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने 60 साल देश पे राज किया और 60 साल के बाद में जिस तरह से जनता ने उनको जवाब दिया है और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, आज उनके कोई भी नेता हैं जनता के बीच में जाने से डरने लगे हैं, क्योंकि 10 साल का कार्यकाल मोदी जी का और जो हमने कार्यों को अपने जन जन तक पहुंचाया है तो उनके 60 साल के कार्यकाल पे भारी पड़ रहा है। आज पूरा समर्थन, पूरे देश का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है और हम सरकार पूर्ण बहुमत की बनाने जा रहे हैं। और अब आप देख लीजिए, हम कुछ दिग्गजों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो पहुंचे और कहां कहां से कौन कौन अपनी जो चुनावी मैदान में ताल ठोक रहा है। कन्नौज उत्तर प्रदेश, अखिलेश यादव यहां पर एसपी के उम्मीदवार हैं और इनकी वजह से कहा यह जा रहा है कि जो आसपास के इलाके हैं उसमें बहुत ज्यादा असर सीटों पर पड़ने वाला है। अब वो तो बाद में पता चलेगा कि कितना असर पड़ेगा। वही असदुद्दीन ओवैसी को जो AIMIM प्रमुख है, हैदराबाद तेलंगाना, गिरिराज सिंह बीजेपी बिहार, इसके बाद कृष्णानगर पश्चिम बंगाल से भी हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर महुआ मोइत्रा, जबकि बहरामपुर पश्चिम बंगाल की तस्वीरें है, अधीर रंजन चौधरी यहां से चुनावी मैदान में है, शत्रुघ्न सिन्हा पश्चिम बंगाल से, मुंगेर बिहार से लल्लन सिंह, वहीं पर अर्जुन मुंडा बीजेपी झारखंड से खूंटी जहां पर वो उम्मीदवार है। तो लगातार आज के इस चौथे चरण की हर तस्वीर न्यूज 18 आपको दिखा रहा है, न्यूज 18 पर महा कवरेज लगातार जारी है, मतदान प्रतिशत से लेकर दिग्गजों के वोट डालने की हर तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बस लौटते हैं एक छोटी सी।